वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो किदा हो तुसीं सारे जाने, असीं भी बिल्कुल ठीक हाँ। सो जिहड़ा अज दा व्लॉग है वह एक मैं व्लॉग नहीं कह सकती, ना ही कोई सोशल सिंपल, जस्ट एक अवेयरनैस व्लॉग होएगा जिहड़ा कि आई थिंक बहुत ही हेल्पफुल होएगा। जिस तरह कि अजकल सारे छोटे छोटे जिहड़े असीं क्लिप्स लगाने बच्चों के हेयरस से, तो असं समझते हैं कि बिल्कुल असी बच्चों के हेयर कवर कर रहे हैं, है ना, फेस से आ रहे हैं उन्होंने मतलब हटा रहे हैं, बट इदा का कुछ भी नहीं है। बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पैंता है। सो साडे नाल ये हो चुकिया है, इस करके मैं सोचा कि एक अवेयरनैस व्लॉग इस पर मैं जरूर शूट करा कि जेडे कि अजकल वैसे मोस्टली सारे ही लगाते हैं। असीं बहुत सोहना टाइम स्पेंड करके आए गुरुद्वारे साहिब सैटरडे नाइट, क्योंकि उत्थे अखंड पाठ साहिब रखाया होया सी, ते सैटरडे नाइट असीं उत्थे गए। बहुत वधिया मतलब टाइम असीं उत्थे स्पेंड किया, सांझ भी बहुत ज़्यादा खेली उत्थे अपने फ्रेंड्स नाल, मतलब उत्थे मतलब इस तरह का माहौल सी जिद्दां लगदा कि एक फैमिली का माहौल हुंदा। असीं घर वापस आए, प्लैन कर रहे सी नैक्सट मॉर्निंग का कि असी संडे नो इन्ने बजे उठांगे मॉर्निंग च रेडी होके ते गुरुद्वारे साहिब जावांगे, क्योंकि उत्थे संडे नो भोग पैना सी अखंड पाठ साहिब दा। ते कहिंदे आ ना कि जो असी सोचदे आ बिल्कुल भी नहीं हुंदा, सेम उदां ही होया। सैटरडे असी नाइट आए अप्रोक्स 11:10 दा टाइम सीगा रात दी। कवल सांझ का दुध गर्म कर रहे सी, मैं सांझ के नाल ही बिल्कुल पई सी। एक्चुअली ना यदा एक हेयर क्लिप जिहड़ा सी वह सुबह का गुम होया सी। वैसे मैं वह छोटे छोटे जिहड़े हेयर क्लिप होंदे तो बहुत दूर रखदी हाँ, चलो जिहड़े वड्डे होंदे जिन्हां दा पता है सानू वह मैं चलो ये सामने कई बार रख दिनी हाँ, तो जिहड़े बिल्कुल छोटे छोटे होंदे आ ना वह मैं हमेशा इहदे तों दूर रखदी हाँ। पता नहीं की होया कि एक जिहड़ा उहदा हेयर क्लिप सीगा उहदा पेयर जिहड़ा सी उह गुम गया सी, तो बस जल्दबाजी इस तरह ही जान की तैयारी के मैं क्या चलो कोई नहीं जो क्लीनिंग करांगे उस टाइम तो मिल जाएगा। ओ अनफॉर्चुनेटली सांझ के हाथ से लग गया, पता नहीं लगा उन्हें किस तरह मिल गया, आई डोंट नो, सानू कुछ भी नहीं पता। मेरे नाल ही लेटी हुई सी सांझ, मैं भी ये दुध का वेट कर रही सी, मैं भी थोड़ा थक गई सी, चलो मैं सोचा क्यों नहीं मैं थोड़ी जी अखा बंद कर ला, है ना, इस तरह ही ये लेटी हुई सी खेल रही सी। मैनू पता ही नहीं लगा कि ये हाथ में जो क्लिप हैगा, क्योंकि वह बहुत छोटा जहा सी, मतलब 26 mm का लिखा हुआ रिपोर्ट च, ते जो तो मतलब इस ये मतलब इस तरह टिच टिच कर रही सी, उन्हें कभी ओपन कर रही सी कभी क्लोज कर रही सी, ते शायद पता नहीं इक्को दम सडनली ये माउथ चला गया। जो तो ये ब्रीथिंग जी वो प्रॉब्लम आई, फेस बिल्कुल रेड हो गया। उस टाइम तो मैं मतलब खड़ा करके ये पिछे पिठ उत्ते हिट किया बार बार, जिदे करके कि जिहड़ा जिहड़ी इहदी रेस्पिरेशन डिफिकल्टी हो रही सी वह तो इहदी सॉल्ट आउट हो गई। बट सानूं सीगा कि इसने की इस तरह का मतलब खा लिया है, कि इहदे माउथ विच स्टक कर गया है। इसनूं मतलब पुछया दो वारी कि सांझ बेटा तुसीं की खाधा है, फिर यह बस इक्को बस बोलती रही कि मम्मा मैं क्लिप खाधा। मेरा सडनली उहदे वल ही ध्यान चला गया कि इक्को ही वह छोटा जिहा क्लिप सीगा जिहड़ा एक कर सकती है, क्योंकि उ एक छोटी चीज़ हैगी है, क्योंकि बाकी तो मैं सारिया छोटिया चीज़ों के तो दूर ही रखती हाँ। उ गुम हुई सी, तो बार बार फिर असी फटाफट रेडी होए, फटाफट असी क्या कि असी कोई भी डिले नहीं करना, कुछ भी वेट नहीं करनी, कुछ भी ये नहीं सोचना कि शायद इसने कुछ नहीं खाधा, असी इसनों हॉस्पिटल ले। फिर जो असी हॉस्पिटल पहुँचे उत्थे भी डॉक्टर ने कहा कि नहीं नहीं अगर बच्चे ने कुछ खाधा होएगा तो बच्चे नूं प्रॉब्लम हुंदी है, बट तुहाडा बच्चा ओके आ। बट असीं उन्होंने कहा कि नहीं सानूं पता है मम्मा ने देखा है, मतलब मेरे हसबेंड ने बोलिया कि इहदी मम्मा ने देखा है इहनूं कुछ खांदे हुए। फिर उस तों बाद उन्होंने चलो सानूं टिकट वगैरह दे दित्ती, फिर उत्थे असीं वेट किया, वेट करदे जो साडी टर्न आई फिर डॉक्टर नूं भी असीं कहा है सब कुछ। फिर उस तों बाद डॉक्टर ने एक्सरा लिखिया, फिर इहदा एक्सरा होया सांझ दा। जो एक्सरा होया असी तो प्रे कर ही रहे कि चलो साढ़े दिल का वहम हो, मेरे कोई है ना होए, मेरा भुलेखा हो कि इन्हें कुछ फड़िया सी जां इन्हें कुछ खाधा, मैं सो प्रे करते रहे असी तो प्रे कर सकते हैं। बट जो एक्सरे की रिपोर्ट आई तो स्टमक के लैफ्ट साइड विचों जा चुकिया है,
जरा छोटा जहा क्लिप 26 mm का लिखा। फिलहाल तो उन्होंने सानू घर भेज दिता है, सांझ भी बिल्कुल ओके आ। बाबा जी ओके ही रखना मिशन, इन्हों नहीं कुछ होना चाहिए। तो उन्होंने 1 week का टाइम दिता है, 7 to 8 days दिते ने, कि उन्होंने कहा कि यदि टॉयलेट जो भी ये पॉटी करेगी उसनू तुसी कंट्रोल करना है, मे बी ओदे विच आ जाए। क्योंकि मोस्टली केसा विच यही हुंदा है कि जेड़ी भी कोई चीज़ बच्चे मुँह नाल खा लेंदे ने बाय माउथ, वह हमेशा ही पोटी रस्ते बाहर आ जाती है। तो असी भी यही पे कर रहे हैं, ता हेयर क्लिप हो बस पोटी रस्ते आ जाए, बस यही असी प्रे करते हैं। तो मैं इस करके वीडियो बना रही हूँ कि असी हर एक चीज़ असी कर लें कि असी बच्चे तो यह चीज़ दूर रखनी, बच्चे तो यह चीज़ दूर रखनी है, बट कुछ चीज़ा इदा दुनिया जिन्हों का साढ़ा बिल्कुल भी ध्यान नहीं जाता। जिस तरह मैं ये लागू छोटे छोटे बटनस होंगे कोई भी है ना मोती वगैरह होंगे वो सारा मतलब मैं ये लागू हटा दी हूँ। कोई भी अगर टॉयस का छोटा जहा भी टुकड़ा होंगे है ना अगर टुट जाता वह भी मैं इस लागू हटा दिनी हाँ। किचन च भी मैं कोई इस तरह की चीज़ नहीं रखी, बट इस चीज़ वाल मेरा कभी ध्यान ही नहीं गया क्योंकि मैं ये क्लिप लगानी हाँ जो उतार दूँ तो मैं दूर रख दी हाँ। बट सीरीयसली कई बार साढ़े को इन्होंने चीज़ों वाल ध्यान ही नहीं जाता, तो जो साढ़े ना हैपनिंग होंगी है तो असं सोचीदा कि क्यों ना किसी होर ना ही हैपनिंग हो। सो आई होप कि इस वीडियो के नाल नाल कुछ क पेरेंट्स नू भी अवेयरनैस मिली होएगी कि सानू एक छोटी तो छोटी चीज़ नू भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। बस क्रॉस फिंगर करके मैं यही प्रे कर दी हाँ कि सांझ का जोड़ा भी उन्हें हेयर क्लिप बस फटाफट पोटी रस्ते बाहर आ जाए, कुछ भी फर्दर ना करना पवे क्योंकि बहुत गलत गलत थॉट आते हैं, बहुत टेंशन च। मैं व्लॉग शूट नहीं सी करना चाहती बट मैं सोचा कि क्यों ना करा, बहुत औखा होंदा है एक पेरेंट्स लई जो तो असी कल्ले रहने हैं फैमिली तो दूर। वैसे तो मैं अपने फ्रेंड्स नू ते मम्मा उन्होंने दसिया है, कोई ना कोई एडवाइस ही दे रहे हैं कि इस तरह करो। बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है जो बच्चा हंसता खेडता बच्चा एकदम इस तरह हो जाता, हजे फिलहाल वह खेलती पई है। चलो इन्ना शुक्र है वाहेगुरु जी का कि खेल रही है, कोई मतलब ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। जिदे डर तो असी आए सी उन्होंने बहुत बहुत साथ दिता है सब वाहेगुरु जी ने, अगे भी मैनू पता है वो साथ जरूर देंगे। बस फटाफट यदा मतलब वो जिन्नी देर तक बाहर नहीं ना निकलता उन्नी देर तक तुहानू पता ही है बहुत ज़्यादा टेंशन होंदी है। सो फस्ट इन्ने पॉटी कर ली आ उस क्लिप तो बाद, बट हजे तक नहीं आया बाहर क्योंकि शायद सैकेंड या थर्ड पोटी विच आ जाए। मैं कंट्रोल कर रही हाँ, जो भी ये करेगी मैं कंट्रोल कराँगी। आई होप कि बस निकल जाए, अज फर्स्ट डे हो गया है। उन्होंने वे वे के ना मन में तो होंगे ही पिया, बट बी स्ट्रोंग। कल्ले बंदे का सच्ची बहुत ज़्यादा मुश्किल होंगे, यही असं फैमिली रहने कुछ भी इन्होंने चीज़ों का पता नहीं लगता, बट फिर भी कई कहने वाले कह देंगे कि इन्हों काम ही की होंगे कल रेंगे। बट बच्चे की रिस्पोंसिबिलिटी कल सब कुछ हैंडल करना, तो फिर इस तरह का कुछ हो ना बहुत मुश्किल होंगे। हाँ जी बेटा पानी पीना तुम आज मम्मा के कोल आओ, पहले मम्मा को आओ, मम्मा को पहला दसो रात की खा लिया क्यों खादा सी क्लिप पुत अगे तो नहीं खाना मेरे पुत ने अगे तो नहीं खाना जो तुम कुछ हो जाता फिर मेरा पुत। मैं इस व्लॉग में इतने ही फिनिश कर दी, हो सके तो तुम सारे जाने भी प्रे करो कि जो भी सांझ के स्टमक च क्लिप स्टक होया है वो फटाफट निकल जाए। सैकेंड डे आ ते होप सो अज निकल जावे, बट अजे तक तो नहीं निकलिया, देखो किन्ने दिन होर लगते हैं। अजे उतरा सांझ बिलकुल ओके आ, खेडदी आ हसदी आ, बट सानू बहुत ज्यादा टेंशन लगी हुई आ, उन्हें अजे कुछ भी नहीं पता की होया।
सो आफ्टर 48 आवर्स सांझ ने जिहड़ी क्लिप चॉक कीती सी ओह निकल चुकी है बाय हर स्टूल. सो वी आर वेरी वेरी हैप्पी, वी ऑल आर वेरी वेरी हैप्पी. तो थैंक यू सो मच उन्हां सारिआं दा जिन्हां ने सांझ वास्ते प्रेयर कीती. तो सब तो वड्डा थैंक यू उस वाहिगुरू जी का जिन्हां ने इन्नी जल्दी सानू इस प्रॉब्लम तो बाहर कढ़िया, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है पेरेंट्स नू, अपने आनू, सारिआं नू बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है जदों बच्चा इस प्रॉब्लम दे विच स्टक हुंदा है. बहुत ज़्यादा नैगेटिव थॉट्स आते हैं माइंड में. चलो उस परमात्मा ने साड़ी सुनी तो हुण सांझ बिल्कुल ओके आ. कोई भी मतलब सांझ नू प्रॉब्लम नहीं आई, ना ही कोई पेन वगैरह, बस थोड़ी जी स्टार्टिंग आई सी. सो बहुत थैंक यू सो मच थोड़ा सारिआं दा भी ते उस परमात्मा दा भी. तो हुण असी सो बी केयरफुल ऑल द पेरेंट्स, क्योंकि बच्चों का कुछ भी पता नहीं लगता किस टाइम केड़ी चीज़ वो मतलब चौक कर सकते हैं. सो कई इस तरह दियाँ थिंग्स होंदियाँ ने जिहड़ियां कि साढ़े माइंड दे विच बिल्कुल भी नहीं आउंदियाँ, क्योंकि जिहड़े कल्ले रहिंदे ने पेरेंट्स इन फॉरन कंट्री उन्हां वास्ते तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हुंदा, क्योंकि असी हर टाइम बच्चे दे कोल नहीं रह सकते. बट फिर भी बी केयरफुल एंड थैंक यू सो मच कि तुसीं ये ब्लॉग देखिया. सो बाय बाय, टेक केयर गाइज.